हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि आपका चैनल है इसमें सबसे पहले तो आपका स्वागत है और होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो अगर हम बात करें यहाँ पर आज की तो देखिए एक वीडियो आ चुकी है आशीष कचौरिया जी के पोर्टफोलियो के स्टॉक है बाकी मार्क्यू इन्वेस्टर है अगर हम बात करें एमी ऑर्गेनिक e. में उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी थी शेयर ऑलरेडी यहाँ पर टॉप पर चल रहा है न्यू लिस्टिंग है एक महीने ही से हुआ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और इसके रिजल्ट भी है तो ये शेयर शायद रॉकेट बन सकता है जिस तरीके का चार्ट पैटर्न वीडियो जाके यहाँ पर देखिए इसके अलावा कल की डेट में भी दो तो वीडियो अपलोड की थी और आज की लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रही है जिसका नाम है आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है मोतीलाल ओसवाल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे इस स्टॉक्स के प, यहाँ पर पोटेंशियल्स को समझेंगे जानेंगे स्टॉक्स से रिलेटेड अगर बात करें बहुत टाइम पहले भी सिलिटी बातें करी थी दोबारा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है और क्यों बन रही है और सिलिटी बातें करेंगे करे बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए बैंक चलने की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और अगर हमें हमारी सर्विस स्टॉक मार्केट से लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कॉन्टेक्ट करिए आपको वहां पर अच्छी खासी सर्विसेज दे दी जाएगी तो वो डिस्क्रिप्शन नंबर है हमें पिंक करिए तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं तो मोतीलाल ओसवाल अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनेंस सर्विसेज अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो कंपनी काम करती हुई नजर आती है क्या काम करती हुई नजर आती है एक तो फाइनेंस सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है एज वेल एज ब्रोकिंग फर्म के रूप में काम करती है आपको पता ही देखिए ब्रोकिंग फर्म ब्रोकिंग फर्म का काम क्या है अच्छा एडवाइस देना वेल्थ क्रिएट करना ओके okay, यहाँ पर डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना तो वहां से इनका पैसा आता हुआ दिखाई देता है और आपको कितने अकाउंट ओपन हुए दूसरी बात ये कंपनी काम करती है हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी काम करती है और हर, आपको पता ही हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट किस तरीके से आए हैं किस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के शेयर है किस तरीके से भागे थे जस्ट बिकॉज उन्होंने सेल ज्यादा किया था और लोग यहाँ पर कैश में तो पे करते नहीं है मोस्टली यहाँ पर लोन क्या क्या लेते लोग लोन लेते हुए नजर आते हैं हाउसिंग लोन तो ये

टाउन की बात करें पच्चीस सौ टाउन में ऑपरेटर यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर पूरे इंडिया में पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है बिजनेस पार्टनर की बात करें जो कि आपने देखा होगा छोटे छोटे यहाँ पर इनके साथ पार्टनर्स बन जाते हैं तो सोलह लाख प्लस यहाँ पर इनके कस्टमर्स है और यहाँ पर थ्री मार्केट शेयर इन कैपिटल मार्केट में अगर बात करें इक्विटी मार्केट और यहाँ पर शेयर बाजार से रिलेटेड थ्री परसेंट जो है उसका यहाँ पर किसके पास है मोतीलाल ओसवाल के पास है तो इस चीज को याद रखिए और यहाँ पर स्टेबल मार्केट शेयर वन इन म्यूचुअल एयूएम अगर बात करें करेंट अंडर मैनेजमेंट में इनका 1.9 परसेंट यहां पर आता है तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है याद रखिए अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और जैसे शेयर बाजार भाग रहा है ये इसकी किस्मत बदलने वाली है ब्रोकिंग ब्रोकिंग की की बात बात तो तो पर आ, पर पर इतना आता है अड़तीस तो के आसपास आता है वेल्थ मैनेजमेंट बीस हजार करोड़ प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एस्टेट में पैसठ सौ करोड़ रुपए पर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट में पूरा तो का पूरा आता है क्लाइंट बेस इनका इंक्रीज होता हुआ नजर आया

Uh, यहाँ पर अगर बात करें लगभग बयालीस परसेंट की डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई थी कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए उनतीस तारीख को यहाँ पर लास्ट टाइम इसके रिजल्ट आया था और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आने वाले है और कंपनी का डिविडेंट का देखे तरीका तो देखिए दो में दो बार दो सॉरी दो में दो बार बीस में एक बार और दो में लगभग दो बार यहाँ पर दस का डिविडेंट यहाँ पर कंपनी दे चुकी है और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आने वाले है एक बार अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसके रिजल्ट तो हमें एक आइडिया आता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पता देखिए अभी तक आया नहीं है बट बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आने वाले तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए एक कंपनी थी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था यहाँ पर आदित्य बिरला ओके आदित्य बिरला मन, मनी मनी

तो यहाँ पर अगर हम डालेंगे ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज तो आपको पता चल जाएगी तो इसके नंबर कल ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो देखिए यहाँ पर उन्नीस अक्टूबर मतलब परसों की डेट में पर इनके रिजल्ट है जब इनके रिजल्ट और इसके भी भी रिजल्ट कभी भी आते होंगे और याद रखिएगा आईसीआईसीआई के नंबर नंबर अच्छे अच्छे आए तो इसके भी ऐसे ऐसे है डेफिनेटली और ये शेयर आपको अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो इस शेयर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओके तो हम बात करते हैं पहले फाइनेंशियल की तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर मोदी लाल ओसवाल की तो मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए मार्केट कैप मिड कैप कंपनी नजर आते हैं तेरह हजार करोड़ के साथ दस का पी आरो सी आरो सी आरो इस है बाईस और पैतीस का डेट की बात करेंगे अठारह सौ तैतालीस रुपए और लगभग आधा चल रहा है प्राइस दोगुना तो, तो यहाँ पर ही समझ लीजिए कंपनी अच्छा खास है यहाँ पर पैसा कमाती हुई आपको नजर देती हुई नजर आएगी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा दो हजार अठारह में शेयर पंद्रह सौ कुछ सोलह सौ के आसपास था और अभी बात करें तो लगभग 900 कुछ रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इंक्रीजिंग मैनर में थे यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट होती हुई नजर आई बट इस बार के रिजल्ट अगर हम बात करें कंपेयर देन एवरी क्वार्टर यहाँ पर ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा तो ये शेयर ऑटोमेटिकली भागना शुरू करेगा और अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं छह करोड़ का यहाँ पर सेल्स थी दो में और 10 साल के अंदर अंदर इसने यहाँ पर अगर बात करें छह गुना अपने आपको कर लिया है नेट प्रॉफिट एक करोड़ से यहाँ पर बारह सौ तेरह करोड़ के आसपास आ गया है तो ये सारी इसकी ग्रोथ की हिस्ट्री को बताता है रिजल्ट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ओके यहाँ पर बात करें बोरिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है जो की अच्छी बात है जितनी बोरिंग बढ़ेगी उतना ये पैसा यहाँ से कमाते हुए नजर आएंगे इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पर करोड़ के यहाँ पर बढ़ता हुए, नजर आ रहा है जो कभी अट्ठाईस बीस चलता था बीच में दस ग्यारह आया और अभी बात करें बाईस परसेंट के आसपास और धीरे धीरे और बढ़ेगा प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्च में होल्डिंग बढ़ाई और यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट जीरो सिक्स फाइव परसेंट की यहाँ पर होल्डिंग कम करी है एफआईए की होल्डिंग की बात करें बढ़ती हुई नजर आ रही है डी एस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग सिक्सटीन परसेंट की होल्डिंग है सिक्सटीन में से ही बात करें तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं छह परसेंट की साढ़े छः परसेंट के आसपास की होल्डिंग इन बड़े लोगों के पास है तो अगर हम बात करते हैं लगभग दस परसेंट की हिस्सेदारी और अभी सेप्टेम्बर की आई नहीं है एक बार सेप्टेम्बर की आएगी तो ये पूरा का पूरा आई थिंक हम चेंज होता हुआ नजर आएगा तो कहने का मतलब क्या है कि ये जिस सेक्टर में काम करती है दोनों सेक्टर यहाँ पर बूमिंग में है अच्छे खासे भागते हुए नजर आएंगे और अच्छे खासे आपके यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे तो सब सबसे पहले टारगेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले टारगेट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहला टारगेट होगा ये जो की इसका प्रीवियस हाई था 52 वीक हाई की बात कर करें जो कि 31 परसेंट है 31 परसेंट यहां पर अगर बात करू तीन महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए फिर दूसरे टारगेट की, की अगर बात करें तो सेवेंटी फाइव परसेंट का टारगेट नजर आता है जो कि इसका ऑल टाइम हाई है जिस पर इसे जाना ही जाना है इंट्रेंसिक वैल्यू भी अठारह सौ है इंट्रेंसिक वैल्यू की भी अगर बात करें तो लगभग हंड्रेड परसेंट पर होता हुआ नजर आता है अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की तो चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं हाँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि ये आप देख सकते हैं ये एक कप बनाया कप बनाने का बाद यहाँ से एक हैंडल बनाता हुआ नजर आया और इस कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट नज़र आते हैं वो यही टारगेट नज़र आते हैं जो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका ऑल टाइम हाई है इसके आसपास ही जाते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद हमने देखा तो इसके जो टारगेट नज़र आ रहे हैं वो कितने नजर आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं उन्नीस सौ के आसपास है वो वही इंट्रेंसिव वैल्यू के आसपास के यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं जो कि कितने परसेंट होते हैं जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नज़र आ रहे हैं लगभग लगभग सौ परसेंट के आसपास या मोर देन हंड्रेड परसेंट एक सौ चौदह परसेंट के आसपास का टारगेट नजर आता है अगर डेढ़ साल भी लग गया ना तो ये टारगेट बहुत बेहतरीन होता है और ज्यादा ऐसे टारगेट को अचीव होने में टाइम लगता है क्योंकि इसके जो वॉल्यूम है ना यहाँ पर देख लीजिए धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और दिस इज द सोल स्टॉक अगर मैं आपको बताऊँ आईसी सिक्योर मैं बात कर सकता था ऐसी सिक्योरिटीज़ के बारे में ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा हमारा डबल होता हुआ नजर आ ही गया है चार सौ रुपये पे स्टॉक बताया था बट अगर बात करें ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर टारगेट डिसाइड होंगे

तो हम उससे रिलेटेड आगे ही बात करेंगे बट यहाँ पर इस शेयर की तरफ नजरें बनाइए बाइंग चलने की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है इन दूसरी वीडियोस को जाके देखना है सपोर्ट करना है हमसे अगर स्टॉक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप पिंक कर सकते हैं यहाँ पर चार्जेबल सर्विस है जो कि आपको सस्ते में अच्छे अच्छी चीजें आपको बताई जाएंगी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस